ఏమండి అది చూసారా Oh my god, oh my god. Oh my god. Hey, you look like a baby. मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगो दरो दीवार पे लिखी है कहानी पासी पास कहां से शुरू करूं ये कहानी जुल्मो सितम की यह दास्तान आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा मैं जो एक रूह हूं आत्मा उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने बलिदान से जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया काला से शुरू करते हैं उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी ओह माय गॉड फ्रॉम देयर टू हियर कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देव था अंडमान के नाम माय गुडनेस पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटी से हमला किया इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिमोन एक ग्रीक गॉड एगमेमनॉन के नाम पर जो भाग्य का प्रतीक है इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ
धर्म प्रचारक लुटेरे बागी मल्ला किस्मत आजमाने को निकले जहाज में हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई। की लपटों की तपिश शान पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाए जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई।
संसदावन के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदी ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। ప్రతీకారం తీసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, తప్పించుకుంటారు అన్నమాట. పని చేసింది జులం చేసేవాడు ఎట్లుంటాడో చూద్దామని చెప్పేసి అందరు ప్లాన్ వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వస్తాడు కదా ఆయన, ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇక అవి వస్తాడు. అగో ఇచ్చారు కదా, వాడు ఎట్లుంటాడు చూద్దామని చెప్పేసి ఆగిర్రు. मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता. Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस तब को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते. Yes, sir. शिक्षा చేయాలని చూస్తారు. ఇదర్ ఆర్ యు ప్లీజ్ శిక్షలు పెట్టాలని నా హం తుంకు ఖతం కర్ దే గా ప్రాణి దాలి ఓ యు కే సాత్ సిమస్ హేవాని సంతస అరే పాలే హం బర్దార్ నహీ కరేగా. शेर अली है सजा याता कैदी, सजा में न्याय पाकर ना की दुकान चलाता ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया. नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेमिनर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ. हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है. तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर. इस पहाड़ी पर? यस सर. हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा. इससे दो फायदा होगा. जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी काटने से जो नीचे निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर. तय हुआ कि 5,00,000 रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा. के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया. 600 इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता. मीनार बनाई जानी थी जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे. हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था. ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई. इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए. जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की. 3 करोड़ तो मैं टेरा टाइम लोने. इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं. सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा. मेरा एक्टिंग बैड एक्टिंग. दीवारें उठनी शुरू हो गई. आखिरकार 10 साल बाद
सन 1906 में ये विशाल काय जेल तैयार हुई और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। खत्म कटे सर कदा इंका अपड़े इंका जैल कटी चिन्न चिन्न जैल उंडेदी इदि कट्टिन तर्वात इंका आज भी उस दौर को याद करके चुरचुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस झील में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक पैदी झील के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है। 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मुपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म की क्रांतिकारियों की, क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोहन सिंह भटना हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर, उल्लास्कर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस ज्योत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमानत जी हुजूर, नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है। और तुम हमको देखता है, हम इधर का खुदा है। डेविड बेरी वेड बैड रेडेड चेटेड यस रेडेड वाडेड मन चल चूसा कदा रेडेड अनि इस तरह कैदियों से कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज,
वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटने का कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल बर्दाश्त करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया गया। వచ్చినాక ఈయన ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు, ఈయన స్టార్ట్ చేశాడు సవార్కర్. ఇందులోకి వచ్చాడు, మనం చూసాం కదా అండి ఏం చేశారు సవార్కర్, రివర్స్ అయ్యాడు అందరిని మెల్లగా, అందరిని కొడుతుంటే అందరిని जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस, 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहाँ रह पाएगी? सावरकर को इस बात में व्यक्ति भर में शक नहीं था कि आजादी की जो लपटे हिंदुस्तानियों के मन उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेलुलर जेल आ पहुंचे। क्या बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत अब नितांत अकेला बन है। जहाँ जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाती है। ये कैसा रत्ती खाना है? चावल में कंकड़ है, सब्जी में रेत है और दाल में कीड़े। खाना क्या है, घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात थी, इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो। और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। 7 में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो,
नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेब नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। ज़बान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलाओ जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो।